बेहद सुंदर सजा हुआ रूम, उसमें लगे अलग अलग टिमटिमाते एलईडी बल्ब्स और कई सारी कैंडल्स की रोशनी ऊपर से रात का पूरा दिखाई देता पूर्णिमा का चंद्र। यह सारी चीजें सपना को मदहोश किए जा रही थी। शाहिद, रूम सजा कर मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, कहकर सपना को उस रूम में अकेला छोड़कर चला गया था। सपना जो शाहिद से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए उसके एक बार कहने से ही अपना घर छोड़कर उसके साथ आ गई थी, इस बात का उसको कोई अफसोस नहीं था। सपना को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था। इन दोनों ने भागकर शादी कर ली थी और आज उनके मिलन की रात थी। सपना बड़ी बेसब्री से प्रेमी का इंतजार कर रही थी। डोरबेल सुनते ही सपना के अरमान जैसे जाग उठे। उसने सोचा आखिरकार मिलन की वह घड़ी आ गई जिसका उसे कब से इंतजार था। दौड़कर सपना ने दरवाजा खोला और जो सामने उसने देखा उससे उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। दरवाजे पर शाहिद खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं, वो अपने साथ 8 लोगों को लेकर आया था। वह सभी आदमी थे उसी की उम्र के। उन्हें देखकर सपना ने शाहिद की तरफ सवालिया नजरों से देखा, जैसे पूछ रही हो ये क्या मजाक है। शाहिद सपना की ओर बढ़ा और उसे अपने आलिंगन में भर लिया और बोला, डरो मत मेरी जान, ये सब अपने ही आदमी है। शाहिद सबको रूम के अंदर लेकर गया। सपना सबको पानी देने गई तब सब उसको छेड़ने लगे, जिसका वह विरोध करने लगी और उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि शाहिद कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसका दिल तब टूटकर चूर चूर हो गया जब शाहिद ने कहा कि जो सबसे ज्यादा दाम लगाएगा सपना के साथ वही आज रात बिताएगा। सपना को अब समझ में आया था कि शाहिद उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए नहीं, बल्कि उसे बेचकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए यहाँ लेकर आया था। सपना को अब काफी पछतावा हो रहा था। उसे यह सोचकर और ज्यादा रोना आ रहा था कि काश उसने अपने बाबा की बात मान ली होती, जो पहले से इस प्यार के खिलाफ थे। वे उसे काफी समझाते आ रहे थे कि उन्हें शाहिद अच्छा लड़का नहीं नजर आता है, लेकिन सपना ने उनकी एक न सुनी थी। शाहिद के पैसों की बात पर उसके साथ आए लोगों ने बंदूक निकाल कर उसी पर निशाना लगा दिया और बोले, पैसे तो नहीं लेकिन सपना के बदले तुझे मौत जरूर देंगे। शाहिद ऊपर से नीचे तक कांप गया था और वहीं पर पत्थर की मूरत बिना खड़ा रहा। सभी लोग सपना की ओर बढ़े उसका दामन दागदार करने के लिए। सपना सोच रही थी उसके साथ कुछ भी गलत हो इससे अच्छा उसको मौत आ जाए। जैसे जैसे लोग उसके करीब बढ़ते जा रहे थे सपना और भी ज्यादा डरती जा रही थी। जब उन लोगों में से एक ने उसकी साड़ी को छुआ ही था कि दरवाजे पर पुलिस की एक टीम ने दस्तक दी, जिनके साथ सपना के पिता भी थे, जो सपना को तलाशते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच गए थे। अपने पिता को देखकर सपना को जैसे नया जन्म मिल गया। वो तेजी से दौड़ी और अपने पिता के गले लग गई। सारी बात पता चलने पर उसके पिता की आंखों में खून उतर आया। अगर साथ में पुलिस ना होती तो शायद वह उन लोगों में से किसी की जान ही ले लेते, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और सभी को गिरफ्तार कर लिया, शाहिद को भी। दोस्तों, हम प्यार के खिलाफ नहीं है, लेकिन आज के जमाने में जो देखा देखी में या फिल्मी कहानियों को देखकर जिस तरह का प्यार युवा युवतियां करती है बिना सोचे समझे उसके खिलाफ है। अपने माता पिता और परिवार को दुखी कर कोई भी प्यार कभी सफल हो ही नहीं सकता, और बिना एक दूसरे को अच्छी तरह जाने एक दूसरे का नेचर पहचाने जो प्यार होता है वह प्यार नहीं, वह महज आकर्षण होता है और कुछ नहीं।